आज दिनांक 23 नवंबर 2022 बुधवार को शासकीय महाविद्यालय नरवर में शासन द्वारा नवनियुक्त जनभागीदारी अध्यक्ष माननीय श्री धीरज गुप्ता जी का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम शासकीय महाविद्यालय नरवर परिसर में संपन्न किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री रमेश प्रसाद खटिक जी, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे। कार्यक्रम में श्रीमती पद्मा महेश्वरी अध्यक्ष नगर परिषद नरवर, श्री संदीप महेश्वरी प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा एवं महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर नवल किशोर जी के साथ नगर के अन्य गणमान्य एवं प्रतिष्ठित जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरंभ महाविद्यालय छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत के प्रस्तुतिकरण के साथ हुआ। सर्वप्रथम महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर नवल किशोर जी द्वारा मुख्य अतिथि महोदय एवं नवनियुक्त जनभागीदारी अध्यक्ष माननीय श्री धीरज गुप्ता जी, श्रीमती पद्मा महेश्वरी अध्यक्ष नगर परिषद नरवर, संदीप महेश्वरी जी का पुष्पहार एवं उद्बोधन द्वारा स्वागत किया। तत्पश्चात जनभागीदारी अध्यक्ष श्री धीरज गुप्ता जी द्वारा उपस्थित जनों का स्वागत एवं महाविद्यालय विकास छात्र छात्राओं की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास हेतु आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उपस्थित गणमान्य जनों एवं महाविद्यालय विद्यार्थियों का उद्बोधन दिया गया। माननीय श्री खटिक जी द्वारा महाविद्यालय के विकास एवं बुनियादी सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास, महाविद्यालय तक पक्की सड़क निर्माण हेतु भी आश्वासन दिया गया। श्रीमती पद्मा महेश्वरी एवं श्रीमती संदीप महेश्वरी द्वारा दिए गए उद्बोधन में भी महाविद्यालय के विकास एवं शीघ्र सड़क निर्माण के लिए हर संभव प्रयास हेतु आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर श्री रामनरेश इंदौरिया जी द्वारा मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य गणमान्य जनों का कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रूपेश श्रीवास्तव जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य एवं समस्त महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्र जन के अतिरिक्त श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष श्री मुकेश खटिक जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री ब्रजेश सिंह जी सरपंच सोनहर, श्री राजेंद्र रावत जी पूर्व जनपद अध्यक्ष नरवर, मुनेश यादव सरपंच सरखड़पुर, श्री अरविंद जैन अध्यक्ष जैन सकल समाज, श्री धर्मेंद्र शर्मा पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्री संजीव अग्रवाल विकास खंड शिक्षा अधिकारी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के समस्त संचालक, संघ परिवार के श्री संजय गौतम, आशीष भार्गव, श्री असलम खान, श्री देवेंद्र भार्गव, श्री संजय शर्मा, धर्मेंद्र जैन, नरवर के वरिष्ठ पत्रकार कमर खान, संतोष शर्मा, धर्मेंद्र कर्ण, दिनेश शर्मा, जितेंद्र शर्मा के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। नरवर शासकीय महाविद्यालय में जन समिति का आपको अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या प्रमुखताएं रहेगी इस विद्यालय के, महाविद्यालय के लिए? सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ग्वालियर सांसद श्री विवेक नारायण केजवलकर जी एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस कार्य की जिम्मेदारी दी। मुझे ये आज मेरा पदभार ग्रहण रहा है और मेरी प्रमुख तीन जिम्मेदारियाँ जो मुझे चुनौती के रूप में हैं, जिन्हें मुझे पूरा करना है, मेरी सबसे प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं, उनमें यहाँ कक्ष की कमी है कॉलेज में, कक्ष निर्माण की, कॉलेज की बाउंड्री वॉल नहीं है, उस कॉलेज की बाउंड्री वॉल के लिए प्रयास करना, साथ ही यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है तो उसकी प्राथमिकता करना है, एवं लड़कियों के आने जाने के लिए, हमारे बच्चों के आने आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो उनके यातायात की व्यवस्था पर ध्यान देना, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिक जो कार्य करने की जो मांगें रहेंगी वो इन पर मुझे कार्य करना है।